अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, यदि कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है तो हे केशव, तुम मुझे ऐसे हिंसक कर्म में क्यों ढकेल रहे हो? समस्या का यही आखिरी उत्तर है। कर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, कर्म तो तुम प्रतिपल कर रहे हो, कोई नहीं बच सकता कर्म से। बस ये देख लो कि तुम्हारा कर्म आ कहां से रहा है, भीतर के बेहोश अंधेपन से या तुम्हारी निष्कामता से। नमस्कार आचार्य जी। कुछ 2 महीने से सुन रही हूँ आपको और ऐसा लगता है जैसे आपको सुनने से चेतना जागती है और उसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ और अपने जीवन में भी वो बदलाव लाना चाहूँगी। आपने मेरा सवाल भावना को पहचानने पर है। कुछ 4 साल पहले मैंने एक वर्कशॉप अटेंड की थी जिसका नाम था सेक्रेड फेमिनिन। उसमें कुछ ऐसी बातें सामने आई थी जो कि मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। यू नो आई हैव बीन लिसनिंग टू लॉट ऑफ टीचर्स बट तो उसमें एक स्टेटमेंट थी, इमोशन इज द एज ऑफ वेकफुलनेस। तो थोड़ा उसका जो बेस था उस टीचिंग का ये था कि भाई जो स्पिरिचुअलिटी है उसमें भी देर आर वेज ऑफ सी। सो एक जो फेमिनिन वे है वो क्या कहते हैं कि जो, क्योंकि ज़्यादातर अध्यात्म आदमियों ने लिखा है तो उन्होंने कुछ चीज़ें हटा दी हैं। इवन बुद्ध, मतलब बुद्ध में भी काफ़ी इस तरह के डिविजन्स होते हैं। तो वज्रयाना बुद्धिज्म की टीचिंग्स पे निर्धारित था वो कोर्स और उसमें ये कहा गया था कि जो डिफ़िकल्ट इमोशंस हैं अगर आप उसको सप्रेस करके अध्यात्म में बढ़ना चाहेंगे आगे तो एक स्पिरिचुअल बाईपास हो जाता है। सो इसी पे मैं, मतलब आपसे पूछना चाहती हूँ कि हम कैसे पहचानें अपने आप कि हम स्पिरिचुअल बाईपास कर रहे हैं या वाकई, मतलब उसको अब और भावनाओं को, एक तो है भावुक होकर एक्शन में चले जाना और दूसरा है कि भावना को आप जज, मतलब नॉन जज करते हुए उसको पहचान लें। सो देयर द एस्पेक्ट ऑफ नॉन जजमेंट जो है, क्योंकि देर इज ऑल्सो दिस कॉन्सेप्ट जो एक आया है कि विटनेस योर व्हाट्स हैपनिंग विद यू। सो आप इमोशंस को भी विटनेस करके कुछ सीख सकते हैं। सो माई मेन क्वेश्चन इज अबाउट हाउ टू रिकग्नाइज इन योर ओन सेल्फ स्पिरिचुअल बाईपास एंड हाउ इज इट रिलेटेड टू रिकग्नाइजिंग इमोशंस विच विल हैपन एवरी डे। मतलब हम इमोशंस से गुजरते हैं। सो दिस इज माई क्वेश्चन। कुछ नहीं है, आप मेरे हाथों कुछ विध्वंस कराना चाहती हैं। और आप भारत से हैं, हाँ, षड दर्शन का देश है ये। आपने 6 दर्शनों को इस लायक नहीं समझा कि पढ़ें। इतने संत हुए वो भी, बैठिएगा, वो भी इस लायक नहीं थे कि उनसे मार्गदर्शन ले लिया जाए। आप कहाँ जाके किस वर्कशॉप में बैठाई? इमोशन इज द एज ऑफ वेकफुलनेस, ये क्या है? द फेमिनिन वे ऑफ सीइंग, फेमिनिन वे ऑफ सीइंग नहीं होता। यू हैव टू सी द फेमिनिन बिकॉज यू आर नाइदर फेमिनिन नॉर मैस्कुलिन। ये जो फेमिनिन है इसको ही तो आपको देखना है। ये बन करके आपको क्या दिखेगा? अगर आप कहेंगी कि आई हैव द फेमिनिन वे ऑफ सीइंग, तो आप फेमिनिन बन कर देख रही हैं ना, इन योर ओन वे। कुछ नहीं दिखेगा फिर। फॉल्स आइडेंटिटी से देख करके क्या दिखाई देगा? रंगे चश्मे से देख कर क्या दिखाई देगा? आपको अपनी फेमिनिटी को देखना होता है, फेमिनिन बनकर नहीं देखना होता। ये मूलभूत सैद्धांतिक बातें हैं। इनमें गलती कर बैठेंगी अगर इधर उधर जाकर के कहीं भी इस तरह की बातें कराएंगी। और इस तरह की वर्कशॉप्स या विचारधाराएं अभी, पिछले, मैं कह रहा हूँ, 150 सालों में बढ़ी भी इसलिए हैं क्योंकि अध्यात्म अब हमारे लिए आराम की चीज़ हो गया है। आध्यात्मिक भी कहला लो और कष्ट भी ना झेलना पड़े। पुरुष को अपनी मैस्कुलिन ट्रेट्स, अपनी पौरुष वृत्तियों के पार जाना होता है।
स्त्री को अपने फेमिनिन ट्रेट्स, अपनी स्त्रैण विद्याओं के पार जाना होता है और उसमें लगता है कष्ट, तकलीफ होती है। वो तकलीफ ना हो हमें, इसके लिए हमें बता दिया जाता है कि लेट्स हैव द फेमिनिन वे। ये फेमिनिन वे क्या होता है? हम कह रहे हैं लेट्स हैव द पेशेंट्स वे ऑफ हेल्थ। पेशेंट्स वे ऑफ हेल्थ के लिए तो फिर पेशेंट पेशेंट ही रहेगा, और उससे पूछ करके और उसके तरीके से हेल्थ आएगी क्या? उसके तरीके से तो वो पेशेंट बन गया है, वहां पे कौन सी इसमें हेल्थ आ जानी है? भूलिएगा नहीं, भावनाएं सुख देती हैं और भावनाएं कई तरह की भौतिक सुविधाएं देती हैं। इसलिए आपको बताया जा रहा है कि उन भावनाओं को प्रश्रय दो, सम्मान दो, उनको जज मत करो। महिलाओं के पुरुष और विशेषकर महिलाओं को भावनाओं से बहुत सुख सुविधाएं मिल जाती हैं, तो जाहिर सी बात है कि महिलाएं इस तरह की बातों के प्रति आकर्षित होंगी ही कि तुम्हारे जो इमोशंस हैं वही सेक्रेड हैं, या कि कम से कम तुम्हें सेक्रेड तक ले जा सकते हैं। जिस चीज़ से लाभ होता हो इंसान उस चीज़ को क्यों छोड़ेगा? कौन सा लाभ? भौतिक लाभ, जो कि वास्तव में हानि है। मूल बात अगर आप समझ लें तो उसके बाद कुछ बचेगा नहीं। कोई मैस्कुलिन वे नहीं होता, कोई फेमिनिन वे नहीं होता। स्त्री नहीं है आप, चेतना है आप, और अगर स्त्री बनकर ही अध्यात्म में आना है तो फिर आना काहे के लिए? स्त्री ही बने रहना है तो माने देह बने रहना है, तो फिर आना ही क्यों है? पुरुष ही बनकर अध्यात्म में आना है तो माने देह बने रहना है। चेतना का कोई लिंग नहीं होता, लिंग से हटकर भी आप कुछ हैं, इसी में तो मुक्ति है ना। नहीं, बिल्कुल झूठ बात है अगर कोई आपसे बोल रहा है द सेक्रेट फेमिनिन। सेक्रेट सेक्रेट होता है, फेमिनिन फेमिनिन होता है, फेमिनिन कहां से सेक्रेट हो गया? न मैस्कुलिन सेक्रेट होता है, न फेमिनिन सेक्रेट होता है। पवित्र, पुनीत, उच्चतम, श्रेष्ठतम, वो एक ही होता है जिसे परम कहते हैं, और उसका स्त्रीत्व से कोई ताल्लुक नहीं है, जैसे उसका पुरुषत्व से भी कोई ताल्लुक नहीं है। वज्रयान की आप बात कर रही हैं, आप तंत्र की बात कर रही हैं, उसका जितना दुरुपयोग आज हो रहा है, जानती हैं वो सारी बातें किन के लिए आविष्कृत हुई थी? जो कि सामाजिक रूढ़ियों के कारण ऐसे लोग थे कि पढ़ना लिखना ही नहीं जानते थे, तो उनके लिए कुछ विधियां लाई गई थी कि चलो इन्हें ये पढ़ लिख तो सकते नहीं क्योंकि समाज ने अपनी कुरीतियों के कारण इन पर वर्जना लगा रखी है, तो चलो इनको दूसरे तरीकों से कुछ तो लाभ दिला दें। दूसरे तरीके क्या होते थे? मद, मैथुन, मांस। भाई जिस आदमी को आप पढ़ने लिखने नहीं दोगे, ज्ञान के दरवाजे बंद कर दोगे, तो वो इन चीजों में ही लिप्त रहता है। मद, शराब, मांस, मांसाहार, मैथुन, संभोग। तो उस तरह की फिर एक बात चली थी कि इन बातों के माध्यम से ही इन लोगों की जागृति कर दो। अब उस चीज को उठा लिया गया है और वर्कशॉप्स होती हैं जिसमें कहा जाता है कि मैथुन के माध्यम से आपको एनलाइटनमेंट मिल जाएगा, आओ सेक्स करो, और उसमें नाम दे दिया जाता है तंत्रा का। भली बात ही जानते हैं, आपको थोड़े ही ज्ञान वर्जित है, आज के समय में उसकी क्या उपयोगिता है? आपको तो ज्ञान उपलब्ध है ना, उसका लाभ उठाइए। यह भी अपने आप में एक कल्ट है, द सेक्रेट फेमिनिन। बहुत सी महिलाएं उसी में
मैं तो सीक्रेट हूं। तो पुरुष खड़े हो जाते हम सीक्रेट आए। निवेदन कर रहा हूँ, बहुत कुछ है हमारे पास जो अपने आप में बहुत पूरा है, उसको अधिक से अधिक समसामयिक अर्थ की या व्याख्या की जरूरत है। कुछ नया नहीं चाहिए भाई। और मैं कोई पुरातन पंथी नहीं हूँ कि मुझे नई चीज़ों से समस्या है कुछ है। मैं बहुत प्रगतिशील आदमी हूँ, लेकिन मुझे पता है कि किन चीज़ों में प्रगति हो सकती है और उस प्रगति के अर्थ क्या होते हैं, और किन चीज़ों में प्रगति के नाम पर बस घपला किया जा रहा है। और मुझे समझ में ही नहीं आता, अष्टावक्र गीता नहीं पढ़नी, अपरोक्ष अनुभूति नहीं पढ़नी, आप भक्ति सूत्र ही पढ़ लीजिए, आपको भावनाओं से इतना है, फेमिनिनिज्म से इतना है, आप भक्ति सूत्र नहीं पढ़ने। नई नई चीजें निकल रही होती हैं, अभी ये कराएंगे वो कराएंगे, वो फलानी चैंटिंग हो रही है, ये हो रहा है, ढोल बाजे तमाशे, कहीं अंधा कमरा कर देंगे, उसमें धुआं छोड़ देंगे, कहेंगे सूंघो, सूंघ के समाधि लगती है। और ये सब चल रहा है, यहाँ ऋषिकेश में भी खूब है, जबरदस्त तरीके से, आप घूमने निकलिएगा उनके पर्चे दिखाई देंगे। कहीं कह रहे हैं ये हम आपको बाजा देंगे, ये बाजा बजेगा टून 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 टून, तिब्बती बाजा है ये, सुन करके बिल्कुल आपका सारे पुराना जन्म याद आ जाएगा, टून 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 टून। लोग जा भी रहे हैं, खतरनाक बात, उनको याद भी आ जाता है। पैसा वसूलना है नहीं, 5,000 दिया है बाजा टुनटुना सुनने का, तो बाहर निकल के बोले क्या कि याद नहीं आया, उन्हें याद भी आ जाता है। अध्यात्म बहुत सीधी साफ सरल सच्ची चीज़ है, उसमें ये सब तामझाम नहीं होता भाई, वो बहुत सीधी राह है, सिंपल, उसमें ये वो फलाना ढिकाना, एक यहाँ पर स्पिरिचुअल एडवेंचर स्पोर्ट्स भी होते हैं, कहते हो पहाड़ से ले आके धक्का देंगे रस्सी बांध के, उससे आपकी सारी वृत्तियां शांत हो जाएंगी, चीख मारनी होती है बहुत जोर से, मुंह से सारी वृत्तियां निकल जाती हैं। ये यहां बैठे हुए हैं, अभी इनको देखा याद आया, ये कहीं एक जगह जाया करते थे, वहां झींगुर सुनाते थे और बोलते थे अनहद नाद है, तो ये जो है ना जुर 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 जुर, ये शून्य की आवाज है, सुनो, सुन भी लेते थे, कहते थे हो भी गया हमारा। नहीं, ये प्रशांत जी ना ये अपने आप को ही बहुत समझते हैं, सोचते हैं बाकी सब तो जो बताया जा रहा है वो बेवकूफ़ी हैं,
घमंड बहुत है इनमें, किसी को कुछ नहीं मानते ये जी। हमारा तो ऐसा है कि सबकी सुनो, करो अपनी। हम तो जी ऋषिकेश आए हैं तो अब सब कुछ देखेंगे ठीक से, और देखिए फायदे तो होते हैं, ऐसा थोड़ी है कि इतने लोग वहां जा रहे हो बेवकूफ थोड़ी है। नहीं जी, हैं जी, बिल्कुल जी। वो पड़ोस की रीता जी गई थी अपनी शैली को लेकर के, शैली को 6.5 जन्म याद आए पूरे। असल में इन आचार्य जी का ज्ञान बहुत किताबी है, इन्हें अनुभव हुआ नहीं है अभी। घमंड बस चढ़ गया है कि बहुत जानते हैं, जिसको देखो उसी की उतार देते हैं। अनुभव की कमी, अनुभव की होगा, धीरे धीरे होगा। जब किसी तत्वज्ञानी गुरु की शरण में जाएंगे तो इन्हें भी कुछ प्राप्त होगा, अभी तो ये ऐसे ही है। कुछ लड़के वगैरह हैं कुछ कम उम्र के, वो फंस जाते हैं, वो सुन लेते हैं उनकी, बाकी तो किताबी बातें, किताबी। क्यों भाई, सत्संग जी? मैं 19 से सर आपसे जुड़ी हुई हूँ। आपको ढंग बताया था कि अपने आप को, और अभी भी आप बता रहे हैं कि अपने आप को मजबूर मत समझो। ऐसे तो पर मिल गया समाधान बहुत सारा, फिर भी मतलब मैं द्वंद्व में फंसी ही रहती हूँ यहीं पर कि क्या कर्तव्य है मेरा, कि मतलब वही भावना वाली बात आती है कि क्या मैं भावना में बंधी हुई हूँ, ये मैं निर्णय ही नहीं लेती, क्योंकि मैं यहाँ भावना में हूँ कि मुझे विरोध करना चाहिए, जो विरोध होता है मेरे विरुद्ध कि नहीं ये तो पुरानी परंपरा को छोड़ के ये कहाँ जा रहे हैं बता दें, तो इसी में थोड़ा आपसे प्रकाश डालवाना चाहते। देखिए भावना में बंधे होने का क्या मतलब होता है, थोड़ा गौर से देखेंगे। जब हम कहते हैं फलाना व्यक्ति भावना में बंधा हुआ है, तो हमें ऐसा लगता है कि आदमी अच्छा है पर जरा जज्बाती है, है ना, वो भावुक हो गया है इसीलिए फलाना निर्णय नहीं ले पा रहा है, है ना। जैसे मान लीजिए कोई कोई सज्जन है, अब वो किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जो जो गंदी है, प्रदूषित है, उनका उनका घर भी छोटा सा है, और उनको कहा जा रहा है कि साहब दूसरी जगह पर बेहतर व्यवस्था मौजूद है, आप जरा उधर आ जाइए, वो नहीं आ रहे। और वो नहीं आ रहे इसके पीछे वो कारण देते हैं कि मेरा ना इस जगह से भावनात्मक लगाव है, मेरा यहाँ से भावनात्मक लगाव है। और एक बार आपने कह दिया कि आप किसी मुद्दे पर भावुक हैं, तब किसी भी तरह की मूर्खता करने की हमें छूट मिल जाती है, क्योंकि भावनाएं समझदारी को तो समझती नहीं। एक बार आपने कह दिया कि फलाने मुद्दे को तो लेकर साहब मैं इमोशनल हूं, अब आप कुछ भी कर सकते हैं, अब आपको खुली छूट मिल गई है, क्योंकि आपने कह दिया है कि अब मैं बुद्धि और तर्क पर नहीं चलूंगी, अब तो मैं भावनाओं पर चलूंगी। और भावना और बुद्धि का 36 का आंकड़ा। तो जब कभी आपको कोई अतार्किक काम करना हो तो भावना बड़ा उपयुक्त औजार होती है, पहली बात। दूसरी बात, हम जिसको कहते हैं कि चीज़ भावना की है, क्या वो वास्तव में भावना जैसी कोई चीज़ होती है? प्रकृति क्या है समझिए, प्रकृति इस शरीर को चलाए रखने की व्यवस्था है। तुम्हारा ये शरीर सुविधापूर्वक चलता रहे और आगे भी अन्य शरीरों को तुम पैदा कर दो,
जिनमें तुम्हारी जैविक सामग्री मौजूद रहे। तो माने ये जो तुम्हारी शारीरिक व्यवस्था है, पहले तुम्हारे शरीर के माध्यम से और फिर दूसरे शरीरों के माध्यम से आगे निरंतर चलती ही रहे, बस प्रकृति यही चाहती है। भावना तो बाद में आती है ना। प्रकृति का मूल उद्देश्य क्या है? इस शरीर की निरंतरता। ठीक है, अहम वृत्ति स्थाई बनी रहे, ये प्रकृति का एकमात्र उद्देश्य है। उसमें आप अगर सूक्ष्म तल पर जाएंगे तो आप ये भी कह सकते हैं कि प्रकृति स्वयं मुक्ति की प्यासी है, आप कह सकते हैं, पर वो बहुत दूर की बात है। प्रकृति का जो तात्कालिक लक्ष्य होता है, जो आप अपने आचारों और देखते हो, यही होता है ना। हर जीव क्या चाहता है? अपनी सुरक्षा इस पल में और अपनी निरंतरता भविष्य में। इसके अलावा कोई जीव कुछ और चाहता है क्या? बाकी सारी हमारी जितनी चाहतें होती हैं वो इन्हीं दोनों चाहतों का सह उत्पाद होती हैं, प्रशाखाएं होती हैं। जैसे ये तना है, ये चाहत है, मूल चाहत है, और फिर इसमें से टहनियां इधर उधर निकल रही हैं, ऐसी हमारी बाकी चाहतें होती हैं। तो प्रकृति मूलतः चाहती है हम बने रहें साहब, और हम मौज में बने रहें, मस्त अपना खाएं पिए, सोएं पड़े रहें और बच्चे पैदा करें। और प्रकृति का ही एक तत्व होती है भावना। तो बताइए, भावना जो कि प्रकृति का तत्व है, उसका भी उद्देश्य क्या होगा? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको एकदम गौर से पकड़िएगा। भावना का भी कुल उद्देश्य क्या होगा? जब हमारी समूची हस्ती इस विराट प्रकृति का ही उद्देश्य है कि ये शरीर चलता रहे, मजे में खाता पीता पड़ा रहे, और फिर आगे जा करके संतानोत्पत्ति भी कर दे, तो फिर भावना का भी उद्देश्य क्या होगा? एक पूरी सेना है जिसका उद्देश्य है सामने वाले शहर को बर्बाद करना, ठीक, तो उस सेना के एक सैनिक का भी उद्देश्य क्या होगा? क्या होगा? उस शहर को बर्बाद करना। तो जब इस सेना का जो सेनापति है, प्रकृति के ये सब जो अलग अलग तत्व होते हैं, भावना, वृत्ति, विचार, ये वो, उसमें आप इंद्रिय, अंतःकरण, ये सब जोड़ सकते हैं, इन सब के सेनापति का ही उद्देश्य है कि शरीर चलता रहे और मौज में चलता रहे, तो भावना का भी उद्देश्य क्या होगा? भावना इस सेना का बस एक सैनिक मात्र है, तो भावना का भी उद्देश्य क्या होगा? शरीर मौज में चलता रहे, मौज में रहे बिल्कुल, और बच्चे अच्छे पैदा हो जाएं। आप किसी को भावुक देखें तो समझ लीजिए कि बस वो इतना ही चाहता है, भले ही वो भावुक होकर के कह कुछ भी रहा हो, पर वो चाहता बस यही है। सब भावनाओं का उद्देश्य एक ही होता है, सुख सुविधा मौज मिलती रहे, और कुछ नहीं उद्देश्य। तो ये साहब हैं जो कह रहे हैं कि मैं भावुक हूं, मेरा इमोशनल अटैचमेंट है, मैं इसलिए ये शहर छोड़ के नहीं जाना चाहता। असली बात यह है कि उनको वहां कोई सुविधा मिल रही है, बिल्कुल भौतिक तल की, क्योंकि शरीर जिसको हम बनाए रहना चाहते हैं क्या है? बिल्कुल भौतिक है, मटेरियल है। इसी तरीके से हर भावना का उद्देश्य मटेरियल ही होता है, हर इमोशन एक मटेरियल लक्ष्य के पीछे ही होता है। ये सुनने में बड़ी अजीब बात लग रही हो, आप कहेंगे नहीं, हमें इश्क भी तो होता है, भावना होती है, उसमें क्या मटेरियल लाभ चाहिए हमें? आपको नहीं पता क्या? आपको दूसरे का शरीर चाहिए, और क्या होता है इश्क? आचार्य जी आप तो बिल्कुल देखिए कितनी ठोस कड़वी बातें कर देते हैं, ऐसे थोड़ी होता है, आप तो दुनिया भर के सब आशिकों पर लानत भेज रहे। उसको तुम जो भी बोल लो, मैं तो सीधी सीधी सच्ची बात रख रहा हूं। सब भावों का लक्ष्य भौतिक होता है, भले ही आप दावा कुछ और करते रहें, वो सब दावे फरेब हैं। आप भले ये बोलते रहें कि मैं तो तुम्हारी याद में भावुक हो रहा हूं, उस याद में आप कोई मटेरियल चीज पाना चाहते हैं, किसी मटेरियल चीज की याद कर रहे हैं कि वो मटेरियल हमें मिल जाए, वो भौतिक वस्तु मुझे मिल जाए। जो वस्तु आपके लाभ की नहीं होती, उसकी याद में कभी भावुक होते हैं आप? जल्दी बोलिएगा।
तो भाव प्रधान जीवन छोड़िए, भावना को इतना ऊंचा सिंहासन मत दीजिए। भावना एक प्रकार की कुटिलता है, जहां पे आपका लक्ष्य तो क्या है, मटेरियल, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं मेरा लक्ष्य इमोशनल है, इमोशनल है। जब इंसान मन को नहीं जानता, जब आत्मज्ञान नहीं होता, तो उसको फिर यही सजा मिलती है। वो समझ ही नहीं पाता कि भावों के नाम पर उसके साथ वास्तव में क्या चल रहा है। इस तरह का खेल खेलिएगा, थोड़ा अपने साथ प्रयोग करिएगा। जब भी आप भावुक हो जाएं या किसी और को भावुक देखें, तो बस एक प्रश्न पूछिएगा, इस भावुक इंसान का भौतिक लक्ष्य क्या है? क्योंकि मटेरियल ग्रीड के बिना भावना उठेगी नहीं, या मटेरियल फियर के बिना। कोई भौतिक लालच या भौतिक डर होगा तभी भावना उठेगी, नहीं तो भावना उठेगी ही नहीं। पूरी प्रकृति ही भौतिक लालच और भौतिक डर पर चलती है, तो भावना अलग कहां से हो जाएगी भाई? आप यदि भावुक होकर कोई निर्णय नहीं कर पा रही हैं, तो मेरी सलाह है कि उस निर्णय के पीछे के भौतिक मटेरियल कारण का अन्वेषण करें, देखें कि असली वजह क्या है। भावना हमेशा नकली वजह होती है, असली वजह भावना के नीचे छुपी होती है। उसको ज़रा खुरच करके बाहर निकालिए, तो पता चलेगा कि बात क्या है।